हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, बच्चों के चेहरे पे मुस्कान अगर है तो वाकई ईश्वर का प्रतिबिंब आप देख रहे हैं। बच्चों के चेहरे पे मुस्कान सीधे हमें ईश्वर का साक्षात्कार कराती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप परिषदीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं तो कमर कस लें, एक नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। मिड डे मील योजना का विस्तार होने जा रहा है। नई शिक्षा नीति में ये बात कही गई कि अगर कठिन विषय हैं और बच्चों को सुबह का नाश्ता दिया जाए तो वो आसान हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी जो नई शिक्षा नीति में बात कही गई, इसी का केंद्र सरकार क्रियान्वयन दोस्तों करने जा रही है। करने क्या जा रही है, केंद्र सरकार पूरी तरीके से दोस्तों मन बना लिए, पैसे भी रिलीज कर दिए हैं। बहुत ही जल्द जब विद्यालय बच्चों के लिए खुले होंगे और बच्चे आपके विद्यालयों में आ जाएंगे तो अब आपको मिड डे मील में जो दोपहर का आप भोजन कराते हैं उससे पहले ही सुबह का नाश्ता बच्चों को दोस्तों देना होगा। तो अगर आप हेडमास्टर हैं तो बिल्कुल बी रेडी फॉर न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। आते हैं दोस्तों, देखते हैं कि क्या क्या योजना में है। बच्चों को स्कूलों में नाश्ता भी मिलेगा। नई दिल्ली से दोस्तों बात करते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सरकारी स्कूलों या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड डे मील के अलावा बच्चों को नाश्ता भी दिया जाएगा। इस नीति को इस हफ्ते की शुरुआत में ही केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी दी जा चुकी है। नई शिक्षा नीति के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि सुबह के समय पौष्टिक नाश्ता कठिन विषय के ज्ञान के लिए बेहद कारगर साबित होगा। इसलिए मिड डे मील योजना को विस्तार देने की सिफारिश करते हुए स्कूलों में नाश्ता देने का भी प्रावधान किया जा रहा है। शिक्षा नीति में ये कहा गया कि बच्चे अगर कुपोषित होंगे या बीमार होंगे तो वह बेहतर तरीके से सीख नहीं सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, बच्चे अगर मलनरिज्ड होंगे या बीमारी से ग्रसित होंगे तो सीख तो बिल्कुल नहीं सकेंगे, क्योंकि मन ही जब उनका बेचैन रहेगा, शरीर ही उनका साथ नहीं देगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों लर्निंग की बात बेमानी है। इसलिए स्कूल की प्रणाली में बच्चों के पोषण और सेहत यानी मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिए उन्हें स्वास्थ्यवर्धक भोजन के साथ ही प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं काउंसलर से परिचित कराने के साथ ही सामुदायिक कार्यक्रमों में भी शामिल किया जाएगा। दोस्तों, कहने का मतलब है अच्छा पोषण बच्चों को मिलेगा। अब कुछ सोशल एक्टिव जो समाज के क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओज हैं या सोशली एक्टिव पर्सन हैं वो भी बच्चों के पास आएंगे, काउंसलर भी आएंगे, ताकि ये पड़ताल कर सके कि बच्चा मानसिक रोग से कहीं पीड़ित तो नहीं है या बच्चा शुरू में ही कुछ मनोग्रंथियों का शिकार तो नहीं है, तो ये भी दोस्तों देखी जाएंगी। साथ ही सामुदायिक कार्यक्रमों में भी शामिल किया जाएगा। जिन स्थानों पर गर्म भोजन दे पाना संभव नहीं होगा वहाँ पर सादा लेकिन पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। उन्हें गुड़ के साथ चना या मूंगफली और स्थानीय फल दिए जाएंगे। नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि सभी स्कूलों के बच्चों को नियमित स्वास्थ्य चेकअप से गुजरना होगा ताकि स्कूलों में बच्चों को 100% रोग से मुक्त रखा जा सके। इसके लिए उन्हें हेल्थ कार्ड भी जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों, हेल्थ कार्ड भी स्वास्थ्य विभाग जारी करेगा और ये हेडमास्टर और सहायक अध्यापकों की जिम्मेदारी रहेगी कि नामांकित जितने भी बच्चे हैं उनके हेल्थ जो कार्ड्स हैं उसको रेगुलर मोड पे अपडेट किए रहें। जो भी डॉक्टर्स या काउंसलर्स या सामाजिक कार्यकर्ता विजिट करेंगे और जिनका सरोकार बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से होगा वो जो भी आंकड़े देंगे उसे आपको अपडेट करना होगा। इसके लिए उन्हें हेल्थ कार्ड भी जारी किए जाएंगे ताकि उनकी सेहत की निगरानी भी की जा सके। नई शिक्षा नीति में प्रस्ताव किया गया है कि 5 साल की आयु तक के बच्चों को बाल वाटिका या प्रारंभिक कक्षाओं में अवश्य भेजा जाए। उल्लेखनीय है कि कम से कम 11.59 करोड़ प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत 26 लाख लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो दोस्तों, ये हेडमास्टर और प्रभारी प्रधानाध्यापकों के लिए एक अतिरिक्त जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी महत्वपूर्ण है।
क्योंकि गांव में तमाम ऐसे घर परिवार के बच्चे आते हैं विद्यालयों में जो सुबह का नाश्ता भी नहीं किए रहते, और कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं कि बच्चे कुछ ना खाए पिए अचेत हो जाते हैं मॉर्निंग असेंबली में। तो दोस्तों ये समस्या का निस्तारण केंद्र सरकार ने कर दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पर कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।